हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और मैगी का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। इसके लिए मैंने लिया है 5-6 बॉयल आलू, एक पैकेट मैंने मैगी को ड्राई रोस्ट कर लिया है, एक बारीक प्याज, एक बारीक गाजर, थोड़ा धनिया पत्ती, और मैंने लिया है पनीर। एक कप पनीर लेना है और 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। और 1 पाउच मैगी मसाला, और थोड़ा सा हमने लिया है टूथपिक, वो सिर्फ हम डेकोरेशन करने के लिए लिए हैं। आप आइसक्रीम स्टिक भी ले सकते हैं अगर आपके पास है तो चलो इन सबको हम मैश करते हैं। पहले मैंने लिया है 1 बाउल, उसके अंदर हम डालेंगे जो मैश किए हुए आलू थे वो। अब हम इसके अंदर डालेंगे पनीर, आप घर का बना हुआ छेना भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। आप और भी कोई वेजिटेबल आपको ऐड करनी है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम डालेंगे गाजर, जो आपके बच्चे जो वेजिस नहीं खाते हैं वो आप सब ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा नमक, और मैगी मसाला। आप इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया है हमारा, सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके कटलेट बनाएंगे। अब इसमें आपको जो चाहे आप वो शेप दे सकते हो। मैंने ये शेप दिया है, अगर आपको हार्ट शेप देना है, स्क्वायर देना है, राउंड देना है, या फिर कोई और शेप देना है तो आप उसको वो शेप भी दे सकते हो। इसी हिसाब से हम हमारे सब में शेप देंगे। तो तैयार है हमारा, देखो मैंने सारा कटलेट बना लिया है। अब हम लोग लेंगे 1 बाउल के अंदर, मैंने लिया है 3 टेबल स्पून मैदा। इसको हमें लिक्विड करना है, इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसको ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना है, ना ज़्यादा थिक रखना है, और पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर ऐड करना है। एक साथ में अगर हम पानी ऐड करते हैं तो इसके अंदर लम्स हो जाएंगे, इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना है। तो देखो मैंने अच्छे से कर लिया है, देखो ना ये ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। अब जो हमने कटलेट बनाई थी वो इसके अंदर डिप करेंगे, और जो हमने जो रोस्ट की हुई मैगी थी उसके अंदर इसके ऊपर डालेंगे। और अच्छे हाथ से इसको दबा के मैगी को पूरा इसके अंदर सेट कर लेंगे। इसी हिसाब से हम दूसरा भी मैं आपको बना के बताती हूँ। इसी हिसाब से मैंने सारे बना लिए हैं। अब इनको हम फ्रीज़र में 5 मिनट सेट होने के लिए रखेंगे।
तो देखो मैंने इसको फ्रीज़र में 5 मिनट सेट होने के लिए रख दिया था। कितना अच्छा लग रहा है ये। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो रहा है। गैस हमें मीडियम टू हाई रखना है। बहुत ज़्यादा धीरे नहीं रखना है और ना ज़्यादा बहुत तेज़ रखना है। और एक बार में हमको 3 से 4 कटलेट ही फ्राई करने हैं। अगर हम इससे ज़्यादा कटलेट को फ्राई करेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा और जिससे हमारी कटलेट अंदर से फट जाएगी। इसके लिए 3 से ज़्यादा नहीं डालना इसके अंदर, 3 या 4, इससे ज़्यादा मत डालना। और जब हम एक बार कटलेट इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल के अंदर, अगर हम जब डालते हैं तो तुरंत ही हमको नहीं इसको हिलाना है। थोड़ा सा ये हल्का सा पक जाए उसके बाद में ही हमको इसको हिलाना है। जैसे मैंने इसके अंदर मैगी ऐड की है, इसके ऊपर आप चाहे तो इसके ऊपर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसके ऊपर पापड़ ऐड करना है, या फिर आपके पास मैगी का नहीं है और कोई नूडल्स और अलग तरह की कोई नूडल्स है या सेवई हैं, तो वो भी आप इसके ऊपर अच्छे से ऐड कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छी लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है वो भी। हमारी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की पकने लगी है, हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है। बीच बीच में इसको चेक करते रहना। तो देखो ये हमारे कितनी अच्छी, कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर। इसी हिसाब से हमको बाकी सब भी फ्राई करनी है। तो देखो फ्रेंड्स तैयार है। बहुत ही बहुत टेस्टी नाश्ता है। इसको मैंने जो स्टिक थी वो मैंने इसके अंदर लगा दी है और ऊपर से मैंने इसके अंदर चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्ची इसको स्प्रिंकल किया है। गाइस ये बहुत टेस्टी नाश्ता है। प्लीज़ अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।